अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आरिफ खत्री और आज मैं बना रहा हूँ अंडा बिरयानी। जो हाँ दोस्तों, बहुत शॉर्टकट रेसिपी है ये, बहुत आसानी से बनाना है, बहुत मसालेदार स्वादिष्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, इसमें 250 से 300 ग्राम मैंने लहसुन डाल दिए है और इसमें करीब 400 ग्राम मैंने ये प्याज लिए है, थोड़े बड़े बड़े कट करके। और इसी के बाद मैंने इसमें 10 से 12 ये हरी मिर्च डाल दी है और मैं 400 ग्राम टमाटर भी काट कर डाल देता हूँ। और ये करीब आधा कप में इसमें पानी ऐड कर दे रहा हूँ। पानी डालने के बाद इसका ढक्कन लगाकर हम इसे करीब एक प्रेशर आने तक रख देंगे। देखिए, मैंने एक प्रेशर आने के बाद इसे 10 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दिया था गैस की फ्लेम बंद करके। तो ये मेरे लहसुन अदरक, लहसुन प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। देखिए, मैं चेक करता हूँ, ये देखिए लहसुन एकदम परफेक्ट गल चुका है मेरा। लहसुन गल गया मतलब सब चीज़ गल जाएगी। तो अब मैं इसे मेस कर लेता हूँ। देखिए, मेरे पास ये इस तरह का एक मेसर है, ये पोटैटो मेसर, इससे मैं अच्छे से इस मसाले को मेस करके साइड में रख दूंगा। ये देखिए, चावल मैंने 1 घंटे तक भिगा लिए थे और उसके बाद मैंने इसे पानी अलग कर इसे धोकर रख लिया है साइड में। देखिए, चावल अलग साइड में रखते हैं। ये चावल के लिए मैं पानी गर्म कर लेता हूँ, इसमें 2 चम्मच नमक डालकर इसे मिक्स करके ऐसे ढककर हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, मेरा पानी उबल रहा है। जब तक मैंने एक इधर बर्तन लिया जिसमें हम बिरयानी बनाएंगे, तो इसमें मैंने करीब 100 से 150 ग्राम तेल डाल दिया है और इस तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद देखिए, मेरे ये उबले हुए अंडे लिए हैं, इसे हम इस तरह से कांटे से पंचर कर लेंगे और सारे अंडे इसमें मैं डाल देता हूँ। मैं 10 अंडे ले रहा हूँ और इसमें 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम निकाल लेंगे। देखिए, मैं इसे निकाल कर अब साइड में रख लेता हूँ सारे अंडों को। अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी और मिर्ची डालकर भी फ्राई कर सकते हैं। अब मैं उसी तेल में जो मेरा तेल था उसी में मैं 3 बारीक कटी हुई प्याज डाल देता हूँ। स्लाइसों में बारीक कटी हुई प्याज डालकर मैं इसे गोल्डन कर लूंगा। देखिए, मेरी प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, टॉप अच्छे से कलर आ गया इसमें डार्क ब्राउन। तो मैं इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेता हूँ और थोड़े से प्याज मैंने उसी तरह से तेल में छोड़ दिए थे। तो अब इसी में छड़ीले का पीस डाल रहा हूँ, 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 1 चम्मच साजीरा, 1 चक्री फूल का पीस है, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1-2 दालचीनी के पीस है। अब इन सारे पीसों को और साथ में तेज पत्ता भी डाल दिया मैंने। अब खड़े मसाले को थोड़ी देर चटका लेने के बाद मैं इसमें 8 से 10 हरी मिर्चों को बारीक स्लाइस में काट लिए और 3 टमाटर काट के इसमें डाल दिए हैं और इन्हें थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2.5 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच में धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच नमक डालकर अब इस मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक मैं मसाले को इसके साथ भून लूंगा। अगर जरूरत हो तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे और उसके बाद मैं तुरंत इसमें दही डाल दे रहा हूँ। ये मेरी करीब 150 ग्राम दही है। इस दही को डालकर मैं अच्छे से मसाले के साथ भून लूंगा। देखिए, मसाले में तेल ऊपर आ गया है, अगर जरूरत हो तो फिर मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ थोड़ा सा और इसे और 2-3 मिनट के लिए मसाले के साथ भून लेंगे। देखिए, अच्छे से मेरे 2 से 3 मिनट हो गए, अच्छे से तेल भी ऊपर आ चुका है, मेरा मसाला भुन चुका है। तो इसी पॉइंट पर जो हमने लहसुन प्याज और जो टमाटर का पेस्ट बनाया था हरी मिर्ची का, वो सारा पेस्ट अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए और इसे उबाला आने देंगे। देखिए, मेरे मसाले में उबाला आना शुरू हो गया अच्छे से, तब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इधर देखिए, मेरे जो चावल के लिए पानी रखा था, इस पानी में भी बाइल आ चुका है, तो जो हमारे चावल भिगे हुए थे हम इसे अब चावल भी ऐड कर देंगे। सारे चावल हम इसमें डाल लेंगे और इसे हल्के हाथ से 1-2 बार इसे मिक्स कर लेंगे, हल्का सा चला लेंगे और ढककर हम इसे 60% तक गला लेंगे। मेरे चावल गल रहे, जब तक मैं अंडे की कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने धागा लिया है, कपड़े सीने का धागा आता है और इससे मैं अंडे को इस तरह से काटे, इससे काटना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों और बहुत फिनिशिंग में अंडे भी कटते हैं। तो मैं सारे अंडे इसी तरह से काट लेता हूँ और ये देखिए, अब मेरा मसाला भी भेज चुका है, करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अगर इसी पॉइंट पर अगर आपको लगे पानी ज्यादा है मसाले में, तो आप गैस की फ्लेम फुल करके 2-3 मिनट के लिए मसाले को भून लें। मेरा मसाला एकदम परफेक्ट है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं
अब इसमें हरा धनिया डाल रहा और साथ ही मैं पुदीना डाल देता हूँ। एक नींबू का रस डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स हो चुका है। अब मैं इस पॉइंट पर नमक टेस्ट कर लेता हूँ नमक कैसा है। तो मैं नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं स्वाद के हिसाब से नमक इसमें बढ़ा देता हूँ। एक चम्मच फिर नमक डाल रहा हूँ। अब मिक्स कर लेता हूँ मैं। देखिए मेरे चावल भी इधर अच्छे से गल चुके हैं। करीब 60% मेरे चावल गले, 60 से 65% ही आप चावल गलाए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ चावल, ये देखिए इस तरह से चावल अभी परफेक्ट एकदम गला नहीं है। देखिए थोड़ी सी कसर है, बस इसे ही रखना हमें चावल। और अब इस चावल को पानी से अलग कर लेता हूँ और मैं इसमें एक लेयर लगा लेता हूँ चावल की। मसाले के ऊपर तुरंत डाल देंगे हम चावल और एक चावल की एक लेयर लगा लेते हैं इसके ऊपर। देखिए मैं चावल को फैला लेता हूँ अच्छे से, इस तरह से इसके ऊपर लेयर लगा लेंगे। और उसके बाद जो हमने अंडे काटे थे उन अंडों को हम जमा लेंगे। अब मैं इसके ऊपर जो हमने प्याज तल के रखी थी वो प्याज भी ऐड कर देंगे। अब हरा धनिया डाल देंगे और फिर मैं हरी मिर्च डाल देता हूँ। 4 से 5 हरी मिर्च जमा देता हूँ इसमें। और उसके बाद जो हमने टमाटर काट के रखा था मैंने, वो टमाटर भी स्लाइसों में, वो भी इसके ऊपर हम जमा देंगे। अब फिर उसके ऊपर हम एक लेयर चावल के लगा लेंगे और फिर अच्छे से चावल को सभी दूर फैला लेंगे। और चावल फैल जाने के बाद फिर से हम अंडे की एक लेयर लगा लेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे तले हुए प्याज हमारे। और प्याज के बाद हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और फिर पुदीना डालूंगा मैं, फिर एक दो हरी मिर्ची भी रख लेता हूं मैं। और फिर से हम टमाटर की एक लेयर लगा लेंगे। टमाटर जमाने के बाद ऊपर से फिर जो हमारे बचे हुए चावल है वो सारे चावल हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। मैंने 1 किलो चावल लिए थे दोस्तों, मैं बताना भूल गया। अब ये देखिए मेरे चावल अच्छे से मेरे लेयर लगा दी है। तो इसके ऊपर मैं करीब दही डाल रहा हूँ, 50 से 60 ग्राम दही लिए। और ऊपर से मैं 8-10 चम्मच तेल भी ऐड कर दूंगा, आप घी चाहे तो घी ऐड कर ले। और इसके बाद मैं इसे एक बड़ा सा बर्तन लेके ढककर करीब से 40 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम पर। देखिए मैंने करीब 40 मिनट हो गए एकदम लो फ्लेम पर छोड़ा था। अब मैं चेक कर लेता हूँ मेरी बिरयानी कैसी हुई। एकदम परफेक्ट है दोस्तों, मसाला भी शानदार है, मेरे चावल भी एकदम परफेक्ट बने हैं। देखिए मैं आपको सर्व करके बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरी एकदम मसालेदार बिरयानी। चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं मुझे जरूर से कमेंट करें दोस्तों।